का भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। और इन सब के बीच में जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला हंगामा गुंडागर्दी ऑफिस में तोड़फोड़ पानी की सप्लाई रोकना पानी की पाइप तोड़ना ये कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसे संकट के समय में दिल्ली की पानी का समस्या का समाधान कराने के लिए बीजेपी के 7 सांसद जिताए दिल्ली के लोगों ने। क्या उन 7 सांसदों को जो मंत्री भी बन चुके हैं उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए पानी के लिए? क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है जितना हमारा हक है उतना पानी दो? क्या उनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? दिलीप पांडे जी हमारे विधायक जी एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। जल शक्ति मंत्री केंद्र के हमारी बात नहीं सुनते, हरियाणा के मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते और पानी का संकट बढ़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें चली जा रही हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। पहला देखिए आप कि कल किस तरीके से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं हंगामा करते हैं कर्मचारियों को आतंकित करते हैं और उस डर के कारण कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब बताइए पानी के संकट के समय में कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहेगा, ऑफिसेस बंद हो जाएंगे भाजपा के गुंडों के डर से, तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है हमसे लड़िए, राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। आप जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं आप, ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है? तो मैं चाह रहा हूं पहले आप लोग इसको देखिए। छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को गौर से देखिए। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं, दिल्ली जल बोर्ड पर बच्चे गिनती की भीड़ भाजपा के पूर्व सांसद और प्रख्यात गुंडे रमेश बिधूड़ी द्वारा लाई गई। दिल्ली में जनसंकट के बीच भाजपा गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के साथ जो कुछ किया उससे भाजपा की दिल्ली विरोधी सोच फिर सबके सामने आ गई। इस वीडियो में लहराते मटकों और लोगों के तलों में पहने भाजपाई पटकों को गौर से देखिए कैसे भाजपाई भीड़ दिल्ली वालों की संपत्ति का नुकसान कर रही है। देखिए कैसे ये गुंडे बेशर्मी से दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात ये कि इस भीड़ को उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। गौर से देखिए बिधूड़ी खुद भीड़ में खड़े होकर बेशर्मी से अपने गुंडों को उकसा रहा है। रमेश बिधूड़ी फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ जल बोर्ड के दफ्तर में घुसे। इनका मकसद साफ था, दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली में पानी की कमी को और बढ़ाना। ये गुंडे नहीं चाहते थे दिल्ली में जल संकट का समाधान निकले, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों के लिए काम करे, इसीलिए इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर हमले का ये घिनौना प्लान बनाया। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की दिल्ली पुलिस और एलजी दोनों ने आंखों पर पट्टी और कान में उंगली डाल दी है। इस भीषण गर्मी और जल संकट में खटिया राजनीति कर और गुंडों द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हिंसा करके आज भाजपा ने साबित कर दिया कि वो दिल्ली वालों से कितनी नफरत करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अब आपने देखा कि ये किस तरह से तोड़फोड़ किया इन लोगों ने। अब ऐसे माहौल में कौन सा कर्मचारी जल बोर्ड का काम करेगा बताइए आप? कैसे लोगों को पानी सप्लाई मिल पाएगी? और इतना ही नहीं, आगे एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूं कि क्या क्या काम करते हैं लोग दिल्ली के अंदर पानी का संकट पैदा करने के लिए। मतलब लोग पानी के संकट में आए
तो बीजेपी वाले जश्न मनाएं, गले में पटका हाथ में मटका, ये भाजपाइयों का ड्रामा है। देखिए नहीं, एक जो वीडियो कल घनश्याम का जिसमें वो कई जगह पे बोल्ट वगैरह खोल रहे हैं ना, चलिए वो भी मैं अभी दे दूंगा आप लोगों को। तो ये कुल मिलाकर इनकी असलियत है कि ये दिल्ली के अंदर आज बीजेपी पानी की समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए नहीं, बल्कि पानी का संकट कैसे और बढ़े इसके लिए काम कर रही है। तो ये एलजी भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। अगर हमको पानी की सप्लाई पूरी मिलने लगे, पूरा पानी का हक जितना अधिकार दिल्ली का है वो मिलने लगे, तो किसी भी हालत में पानी की ये जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहाँ से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ, और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है दिल्ली में, पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तोड़फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, इनके बारे में ना प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ना गृह मंत्री जी बोलेंगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब बना देते हैं। और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी आज 50 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, पानी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार में आप हैं, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, तो फिर पानी की दिक्कत क्यों हो रही है? तो हरियाणा सरकार किसके पास है? दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं बीजेपी के लोग? हरियाणा भवन के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? खट्टर के घर घर के सामने, नायब सिंह सैनी के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग? भाई पानी का जो हक है दिल्ली का वो क्यों मारा जा रहा है? जो हमको पानी मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से गुंडागर्दी करने से पानी की सप्लाई आएगी क्या? आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? आप बताइए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी और एलजी के द्वारा प्रायोजित, हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। वो इसका प्रायोजन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग, ठीक है तुम लोग आम आदमी पार्टी को जिताते हो, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम तुमको पानी की सप्लाई तक नहीं होने देंगे। तो ये तो पाप है ना, ये भाजपाइयों का पाप है, लोगों का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये बीजेपी का पाप है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को और पानी की सप्लाई रोक रहे हैं। देखिए, भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए, उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC 3 में, AC 2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में,
भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा, कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म, किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की ना अधिकारी की, नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें और जब मौका आए तो इसका जवाब देना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया भी है और भी मजबूती से इनको जवाब देना होगा। ईवीएम को लेकर तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम पे कल जो एक खबर सामने आई थी कि ओटीपी के जरिए से कैंसिल करने की कोशिश की गई थी, चुनाव आयोग ने उसे खारिज किया, लेकिन उस पर सवाल उठा रहा है। देखिए एलन मस्क जो जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेके आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो मजाक उड़ाते हैं। इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया, एक बार 2,200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई एक वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो यह सरकार गिर जाएगी। ठीक ढंग से अगर काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा तो मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है सरकार गिर जाएगी। कहीं लाइट बंद करा दिया फरुखाबाद में, वहां 2,500 वोट से जीत गए, कहीं कोई हल्ला करा दिया वहां जीत गए, कहीं कुछ हल्ला करा दिया वहां जीत गए। तो ऐसी देश भर में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और भी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए, अन्यथा खबरें आएंगी, खबरें लिखी जाएंगी, भूल जाएंगे लोग और ये सिलसिला जारी रहेगा। संजय जी, संसद में जो महात्मा गांधी की मूर्ति है, बाबा अम्बेडकर की मूर्तियां हैं, उनको हटाकर किसी दूसरी जगह पर रखा गया है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो वहां पर एमपी आते हैं या विजिटर्स होते हैं उनके लिए विजिबल हो सके मूर्तियां, इसीलिए उनका स्थान बदला गया है। कांग्रेस कह रही है कि सभी को, कैसी बेवकूफी की बातें हैं ये बताइए आप। जिस जगह पे गांधी जी की मूर्ति थी वहां से तो दोनों सदन दिख रहा था साफ साफ। जहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति थी वहां से साफ साफ पूरा सदन दिख रहा था, दोनों सदन दिख रहा था, दोनों पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही थी।
तो यही तो बार बार हम कहते हैं, ना इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मतलब है, उनको तो बार बार अपमानित करती ही रहती है आरएसएस और बीजेपी, और ना ही इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मतलब है। बाबा साहब का तो संविधान ही ये खत्म करना चाहते हैं, तो उनकी फोटो हो, उनकी तस्वीर हो, उनकी मूर्ति हो, जितना हटा सकेंगे, जितना तोड़ सकेंगे, जितना फोड़ सकेंगे वो काम करेंगे लोग। आपने देखा होगा नाटक प्रधानमंत्री जी का, पहले दिन उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया तो मुझे याद आया कि जब पहली बार संसद में आए थे तो संसद को चूमा था और संसद छोड़ दी, नई संसद बना दी। आडवाणी जी का पैर बड़े सादर के साथ प्रणाम किया था, आडवाणी जी को छोड़ दिया। अब संविधान प्रणाम कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा खतरा उसी दिन से लग रहा है कि अब संविधान भी छोड़ेंगे, खत्म करेंगे। बार बार हम लोग कहते ही हैं इस बात को, तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। हमारे समाज में बड़ी मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पवित्र कोई काम नहीं होता। अगर कोई भीषण गर्मी में प्यासा है, उसको पानी उपलब्ध नहीं है, उसको पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता। और किसी का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है, और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है, मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 एमजीडी, 9 जून को 978 एमजीडी, 10 जून को 958 एमजीडी, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 एमजीडी पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। एमजीडी उत्पादन जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी एक एक दिन की लिस्ट है। तो पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिल नहीं रहा है, उसकी वजह से पानी का संकट है। और जब हम हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते। वहां के मुख्यमंत्री जी, जो हमारा पानी हक है, जो हमारा जितना पानी दिल्ली का हक है, जितना पानी मिलना चाहिए, वो पानी नहीं देते।
हम हरियाणा के लोगों का पानी तो मांग नहीं रहे, हम तो दिल्ली के हिस्से का पानी मांग रहे हैं, आपको भी नहीं देना चाहते। दूसरा, जब एलजी साहब से शिकायत कीजिए तो एलजी साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसमें अपना राजनीतिक स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। उनको, उनका भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। और इन सब के बीच में जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसे संकट के समय में दिल्ली की पानी का समस्या का समाधान कराने के लिए बीजेपी के 7 सांसद जिताए दिल्ली के लोगों ने। क्या उन 7 सांसदों को, जो मंत्री भी बन चुके हैं, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए पानी के लिए? क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है, जितना हमारा हक है उतना पानी दो? क्या उनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी आर पाटिल जी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? दिलीप पांडे जी, हमारे विधायक जी, एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। जल शक्ति मंत्री केंद्र के हमारी बात नहीं सुनते, हरियाणा के मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते, और पानी का संकट बढ़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें चली जा रही हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। पहला देखिए आप कि कल किस तरीके से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, कर्मचारियों को आतंकित करते हैं, और उस डर के कारण कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब बताइए पानी के संकट के समय में कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहेगा, ऑफिसेस बंद हो जाएंगे भाजपा के गुंडों के डर से, तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है हमसे लड़िए, राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। आप जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं आप, ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है? तो मैं चाह रहा हूं पहले आप लोग इसको देखिए। छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को गौर से देखिए। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं, दिल्ली जल बोर्ड पर बच्चे फिरती ये भीड़ भाजपा के पूर्व सांसद और प्रख्यात गुंडे रमेश बिधूड़ी द्वारा लाई गई। दिल्ली में जनसंकट के बीच भाजपाई गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के साथ जो कुछ किया उससे भाजपा की दिल्ली विरोधी सोच फिर सबके सामने आ गई। इस वीडियो में लहराते मटकों और लोगों के तलों में पहने भाजपाई पटकों को गौर से देखिए। देखिए कैसे भाजपाई की दिल्ली वालों की संपत्ति का नुकसान कर रही है। देखिए कैसे ये गुंडे बेशर्मी से दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात ये कि इस भीड़ को उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। गौर से देखिए, बिधूड़ी खुद भीड़ में खड़े होकर बेशर्मी से अपने गुंडों को उकसा रहा है। रमेश बिधूड़ी फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ जल बोर्ड के दफ्तर में घुसे। इनका मकसद साफ था, दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली में पानी की कमी को और बढ़ाना। ये गुंडे नहीं चाहते थे दिल्ली में जल संकट का समाधान निकले, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों के लिए काम करे, इसीलिए इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर हमले का ये घिनौना प्लान बनाया। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की दिल्ली पुलिस और एलजी दोनों ने आंखों पर पट्टी और कान में उंगली डाल दी है। इस भीषण गर्मी और जल संकट में खटिया राजनीति कर और गुंडों द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हिंसा करके आज भाजपा ने साबित कर दिया कि वो दिल्ली वालों से कितनी नफरत करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है।
अब आपने देखा कि ये किस तरह से तोड़फोड़ किया है इन लोगों ने। अब ऐसे माहौल में कौन सा कर्मचारी जल बोर्ड का काम करेगा बताइए आप, कैसे लोगों को पानी सप्लाई मिल पाएगी। और इतना ही नहीं, आगे एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूं कि क्या क्या काम करते हैं लोग दिल्ली के अंदर पानी का संकट पैदा करने के लिए। मतलब लोग पानी के संकट में आए तो बीजेपी वाले जश्न मनाए, गले में पटका हाथ में मटका, ये भाजपाइयों का ड्रामा है। देखिए नहीं, एक जो वीडियो कल घनश्याम का जिसमें वो कई जगह पे बोल्ट वगैरह खोल रहे हैं ना, चलिए वो भी मैं अभी दे दूंगा आप लोगों को। तो ये कुल मिलाकर इनकी असलियत है कि ये दिल्ली के अंदर आज बीजेपी पानी की समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए नहीं, बल्कि पानी का संकट कैसे और बढ़े इसके लिए काम कर रही है। तो ये एलजी भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। अगर हमको पानी की सप्लाई पूरी मिलने लगे, पूरा पानी का हक जितना अधिकार दिल्ली का है वो मिलने लगे, तो किसी भी हालत में पानी की ये जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहाँ से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ, और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है दिल्ली में, पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तोड़फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, इनके बारे में ना प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ना गृह मंत्री जी बोलेंगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब बना देते हैं। और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी भी आज 50 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, पानी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार में आप हैं, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, तो फिर पानी की दिक्कत क्यों हो रही है? तो हरियाणा सरकार किसके पास है? दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्यों नहीं दिलवा रहे बीजेपी के लोग? हरियाणा भवन के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? खट्टर के घर घर के सामने, नायब सिंह सैनी के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लोग? भाई पानी का जो हक है दिल्ली का वो क्यों मारा जा रहा है? जो हमको पानी मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से गुंडागर्दी करने से पानी की सप्लाई आएगी क्या? आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, आप बताइए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी और एलजी के द्वारा प्रायोजित, हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है, वो इसका प्रायोजन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग, ठीक है तुम लोग आम आदमी पार्टी को जिताते हो, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम तुमको पानी की सप्लाई तक नहीं होने देंगे। तो ये तो पाप है ना, ये भाजपाइयों का पाप है लोगों का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये बीजेपी का पाप है कि वो पानी नहीं दे रहे दिल्ली के लोगों को और पानी की सप्लाई रोक रहे हैं। जी, आज एक दुर्घटना हुई है, एक बार फिर कंचनजंगा एक्सप्रेस की, उसका एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोगों की मौत की खबर है। देखिए, भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि
बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए, उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC 3 में, AC 2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा, कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म, किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की ना अधिकारी की, नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। और मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें, और जब मौका आए तो इसका जवाब देना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया भी है, और भी मजबूती से इनको जवाब देना होगा। ईवीएम को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम पे कल जो एक खबर सामने आई थी कि OTP के जरिए से कैंसिल करने की कोशिश की गई थी, चुनाव आयोग ने उसे खारिज किया, लेकिन उस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, एलन मस्क जो जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश, वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेकर आती रहती हैं समय समय पर। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार, तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो मजाक उड़ाते हैं। इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए OTP का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया, एक बार 2,200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई, एक वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है, और अगर इसका सही ढंग से, ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो यह सरकार गिर जाएगी। ठीक ढंग से अगर काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा तो मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है सरकार गिर जाएगी। कहीं लाइट बंद करा दिया फरुखाबाद में, वहां 2,500 वोट से जीत गए। कहीं कोई हल्ला करा दिया वहां जीत गए, कहीं कुछ हल्ला करा दिया वहां जीत गए। तो ऐसी देश भर में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में है, उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, और भी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए, अन्यथा खबरें आएंगी, खबरें लिखी जाएंगी, भूल जाएंगे लोग, और ये सिलसिला जारी रहेगा। संजय जी, संसद में जो महात्मा गांधी की मूर्तियां हैं, बाबा अम्बेडकर की मूर्तियां हैं, उनको हटाकर किसी दूसरी जगह पर रखा गया है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो वहाँ पर MPs आते हैं या विजिटर्स होते हैं उनके लिए विजिबल हो सके मूर्तियाँ, इसीलिए उनका
स्थान बदला गया है। कांग्रेस कह रही है कि सभी को राहत। कैसी बेवकूफी की बातें हैं ये बताइए आप। जिस जगह पे गांधी जी की मूर्ति थी वहां से तो दोनों सदन दिख रहा था साफ साफ। जहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति थी वहां से साफ साफ पूरा सदन दिख रहा था, दोनों सदन दिख रहा था, दोनों पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही थी। तो यही तो बार बार हम कहते हैं, ना इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मतलब है, उनको तो बार बार अपमानित करती ही रहती है आरएसएस और बीजेपी, और ना ही इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मतलब है। बाबा साहब का तो संविधान ही ये खत्म करना चाहते हैं। तो उनकी फोटो हो, उनकी तस्वीर हो, उनकी मूर्ति हो, जितना हटा सकेंगे, जितना तोड़ सकेंगे, जितना फोड़ सकेंगे वो काम करेंगे लोग। आपने देखा होगा नाटक प्रधानमंत्री जी का, पहले दिन उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया तो मुझे याद आया कि जब पहली बार संसद में आए थे तो संसद को चूमा था और संसद छोड़ दी, नई संसद बना दी। आडवाणी जी का पैर बड़े सादर के साथ प्रणाम किया था, आडवाणी जी को छोड़ दिया। अब संविधान प्रणाम कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा खतरा उसी दिन से लग रहा है कि अब संविधान भी छोड़ेंगे, खत्म करेंगे। बार बार हम लोग कहते ही हैं इस बात को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। हमारे समाज में बड़ी मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पवित्र कोई काम नहीं होता। अगर कोई भीषण गर्मी में प्यासा है, उसको पानी उपलब्ध नहीं है, उसको पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता। और किसी का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी कोशिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है, मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 एमजीडी, 9 जून को 978 एमजीडी, 10 जून को 958 एमजीडी, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 एमजीडी पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। एमजीडी उत्पादन, जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी एक एक दिन की लिस्ट है। तो पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिल नहीं रहा है। उसकी वजह से
पानी का संकट है। और जब हम हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते। वहां के मुख्यमंत्री जी, जो हमारा पानी हक है, जो हमारा जितना पानी दिल्ली का हक है, जितना पानी मिलना चाहिए, वो पानी नहीं देते। हम हरियाणा के लोगों का पानी तो मांग नहीं रहे, हम तो दिल्ली के हिस्से का पानी मांग रहे हैं, आप वो भी नहीं देना चाहते। दूसरा, जब एलजी साहब से शिकायत कीजिए तो एलजी साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसमें अपना राजनीतिक स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। उनको, उनका भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। और इन सब के बीच में जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसे संकट के समय में दिल्ली की पानी का समस्या का समाधान कराने के लिए बीजेपी के 7 सांसद जिताए दिल्ली के लोगों ने। क्या उन 7 सांसदों को, जो अब मंत्री भी बन चुके हैं, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए पानी के लिए? क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है, जितना हमारा हक है उतना पानी दो? क्या उनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? दिलीप पांडे जी, हमारे विधायक जी, एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। जल शक्ति मंत्री केंद्र के हमारी बात नहीं सुनते, हरियाणा के मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते, और पानी का संकट बढ़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें चली जा रही हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। पहला देखिए आप कि कल किस तरीके से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, कर्मचारियों को आतंकित करते हैं, और उस डर के कारण कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब बताइए पानी के संकट के समय में कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहेगा, ऑफिस बंद हो जाएंगे भाजपा के गुंडों के डर से, तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है हमसे लड़िए, राजनीति करना हमसे करिए, गुंडागर्दी करनी हमसे करिए। आप जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं आप, ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है? तो मैं चाह रहा हूं पहले आप लोग इसको देखिए। छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को गौर से देखिए। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं, दिल्ली जल बोर्ड पर बच्चे दिल्ली की भीड़ भाजपा के पूर्व सांसद और प्रख्यात गुंडे रमेश बिधूड़ी द्वारा लाई गई। दिल्ली में जनसंकट के बीच भाजपाई गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के साथ जो कुछ किया उससे भाजपा की दिल्ली विरोधी सोच फिर सबके सामने आ गई। इस वीडियो में लहराते मटकों और लोगों के तलों में पहने भाजपाई पटकों को गौर से देखिए। देखिए कैसे भाजपाई की दिल्ली वालों की संपत्ति का नुकसान कर रही है। देखिए कैसे ये गुंडे बेशर्मी से दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अपने गुंडों के साथ जल बोर्ड के दफ्तर में घुसे। इनका मकसद साफ था, दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली में पानी की कमी को और बढ़ाना। ये गुंडे नहीं चाहते थे दिल्ली में जल संकट का समाधान निकले, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों के लिए काम करे, इसीलिए इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर हमले का ये घिनौना प्लान बनाया। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की दिल्ली पुलिस और एलजी दोनों ने आंखों पर पट्टी और कान में
उंगली डालनी है। इस भीषण गर्मी और जल संकट में खटिया राजनीति कर और गुंडों द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हिंसा करके आज भाजपा ने साबित कर दिया कि वो दिल्ली वालों से कितनी नफरत करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अब आपने देखा कि ये किस तरह से तोड़फोड़ किया है इन लोगों ने। अब ऐसे माहौल में कौन सा कर्मचारी जल बोर्ड का काम करेगा, बताइए आप? कैसे लोगों को पानी सप्लाई मिल पाएगी? और इतना ही नहीं, आगे एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूं कि क्या क्या काम करते हैं लोग दिल्ली के अंदर पानी का संकट पैदा करने के लिए। मतलब लोग पानी के संकट में आए तो बीजेपी वाले जश्न मनाए, गले में पटका हाथ में मटका, ये भाजपाइयों का ड्रामा है। देखिए नहीं, एक जो वीडियो कल घनश्याम का बना जिसमें वो कई जगह पे बोल्ट वगैरह खोल रहे हैं ना, चलिए वो भी मैं भी दे दूंगा आप लोगों को। तो ये कुल मिलाकर इनकी असलियत है कि ये दिल्ली के अंदर आज बीजेपी पानी की समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए नहीं, बल्कि पानी का संकट कैसे और बढ़े इसके लिए काम कर रही है। तो ये एलजी भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। अगर हमको पानी की सप्लाई पूरी मिलने लगे, पूरा पानी का हक जितना अधिकार दिल्ली का है वो मिलने लगे, तो किसी भी हालत में पानी की ये जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहाँ से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है दिल्ली में, पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तोड़फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, इनके बारे में ना प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ना गृह मंत्री जी बोलेंगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब बना देते हैं। और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं जी। भारतीय जनता पार्टी भी आज 50 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, पानी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार में आप हैं, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, तो फिर पानी की दिक्कत क्यों हो रही है? तो हरियाणा सरकार किसके पास है? दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्यों नहीं दिलवा रहे बीजेपी के लोग? हरियाणा भवन के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? खट्टर के घर घर के सामने, नायब सिंह सैनी के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लोग? भाई पानी का जो हक है दिल्ली का वो क्यों मारा जा रहा है? जो हमको पानी मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से गुंडागर्दी करने से पानी की सप्लाई आएगी क्या? आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, आप बताइए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये बीजेपी और एलजी के द्वारा प्रायोजित, हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। वो इसका प्रायोजन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग, ठीक है तुम लोग आम आदमी पार्टी को जिताते हो, यहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम तुमको पानी की सप्लाई तक नहीं होने देंगे। तो ये तो पाप है ना, ये भाजपाइयों का पाप है लोगों का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है? ये बीजेपी का पाप है कि वो पानी नहीं दे रहे दिल्ली के लोगों को और पानी की सप्लाई रोक रहे हैं। अजय जी, आज एक
दुर्घटना हुई है, एक बार फिर कंचनजंगा एक्सप्रेस की उसका एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोगों की मौत की खबर है। देखिए, भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए। उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC 3 में, AC 2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है। और अभी ये जो घटना हुई है रेल एक्सीडेंट की, इसमें भी क्या होगा, कोई जांच कमेटी बिठाई जाएगी, 2-4-10 वक्तव्य दिए जाएंगे, बाद में सब लीपापोती करके खत्म, किसी की कोई जवाबदेही तो तय होती नहीं, ना मंत्री की ना अधिकारी की, नीचे के 2-4 छोटे छोटे अधिकारी सस्पेंड कर दिए जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मामला है और मैं समझता हूं कि लोग इन बातों को अपने दिल और दिमाग में रखें और जब मौका आए तो इसका जवाब देना चाहिए। लोगों ने जवाब दिया भी है और भी मजबूती से इनको जवाब देना होगा। ईवीएम को लेकर एक सवाल खड़े हो रहे हैं, ईवीएम पे कल जो एक खबर सामने आई थी कि OTP के जरिए से कैंसिल करने की कोशिश की गई थी, चुनाव आयोग ने उसे खारिज किया, लेकिन उस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, एलन मस्क जो जिसका गुणगान करते हैं ये लोग, बीजेपी के लोग और हमारे प्रधानमंत्री जी, अमेरिका जैसा देश वो कह रहा है कि भाई ईवीएम बंद होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में भी धांधली की खबरें ईवीएम को लेकर आती रहती हैं समय समय पे। हम लोगों ने भी मांग उठाई कई बार तो मीडिया भी हमारा मजाक उड़ा लेता है, चुनाव आयोग भी मजाक उड़ा लेता है, बीजेपी वाले तो बने ही हैं मजाक उड़ाने के लिए, तो मजाक उड़ाते हैं। इससे डेमोक्रेसी कितनी मजबूत होगी ये बताइए आप। अगर ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है, क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया, एक बार 2200 वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई एक वोट से जीते, फिर रिकाउंटिंग हुई 48 वोट से, शिंदे गुट के कैंडिडेट को जिता दिया। तो ऐसी कम से कम 80 सीटें हैं देश भर में जो संदेह के घेरे में है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इसको लेकर याचिका भी दाखिल हुई है और अगर इसका सही ढंग से, ठीक ढंग से अगर काउंटिंग हो जाएगी तो यह सरकार गिर जाएगी। ठीक ढंग से अगर काउंटिंग होकर निर्णय आ जाएगा तो मौजूदा बीजेपी की जो सरकार है सरकार गिर जाएगी। कहीं लाइट बंद करा दिया फरुखाबाद में, वहां 2,500 वोट से जीत गए। कहीं कोई हल्ला करा दिया वहां जीत गए, कहीं कुछ हल्ला करा दिया वहां जीत गए। तो ऐसी देशभर में 80 सीटें हैं जो संदेह के घेरे में हैं। उसमें महाराष्ट्र भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है और भी राज्य हैं। तो मुझे लगता है कि ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए, अन्यथा खबरें आएंगी, खबरें लिखी जाएंगी, भूल जाएंगे लोग और ये सिलसिला जारी रहेगा।
संजय जी, संसद में जो महात्मा गांधी की मूर्तियाँ हैं, बाबा अम्बेडकर की मूर्तियाँ हैं, उनको हटाकर किसी दूसरी जगह पर रखा गया है। गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि जो वहाँ पर MPs आते हैं या विजिटर्स होते हैं उनके लिए विजिबल हो सके मूर्तियाँ, इसीलिए उनका स्थान बदला गया है। कांग्रेस कह रही है कि सभी को राय। कैसी बेवकूफ़ी की बातें हैं ये बताइए आप। जिस जगह पे गांधी जी की मूर्ति थी वहां से तो दोनों सदन दिख रहा था साफ साफ। जहां पे अंबेडकर जी की मूर्ति थी वहां से साफ साफ पूरा सदन दिख रहा था, दोनों सदन दिख रहा था, दोनों पार्लियामेंट की बिल्डिंग दिख रही थी। तो यही तो बार बार हम कहते हैं, ना इनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से मतलब है, उनको तो बार बार अपमानित करती ही रहती है RSS और BJP, और ना ही इनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से मतलब है। बाबा साहब का तो संविधान ही ये खत्म करना चाहते हैं। तो उनकी फोटो हो, उनकी तस्वीर हो, उनकी मूर्ति हो, जितना हटा सकेंगे, जितना तोड़ सकेंगे, जितना फोड़ सकेंगे वो काम करेंगे लोग। आपने देखा होगा नाटक प्रधानमंत्री जी का, पहले दिन उन्होंने संविधान को माथे पे लगाया तो मुझे याद आया कि जब पहली बार संसद में आए थे तो संसद को चूमा था और संसद छोड़ दी, नई संसद बना दी। आडवाणी जी का पैर बड़े सादर के साथ प्रणाम किया था, आडवाणी जी को छोड़ दिया। अब संविधान प्रणाम कर रहे हैं, हमको बहुत ज्यादा खतरा उसी दिन से लग रहा है कि अब संविधान भी छोड़ेंगे, खत्म करेंगे। बार बार हम लोग कहते ही हैं इस बात को। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को कहीं ना कहीं दर्शाता है। हमारे समाज में बड़ी मान्यता है कि प्यासे को पानी पिलाने से ज्यादा पवित्र कोई काम नहीं होता। अगर कोई भीषण गर्मी में प्यासा है, उसको पानी उपलब्ध नहीं है, उसको पानी पिलाने से ज्यादा पुण्य का काम कोई नहीं होता। और किसी का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं होता। दिल्ली के अंदर पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है। और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि BJP वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो, और इसके लिए जितने जतन, जितनी साजिश, जितने तरीके से दिल्ली को पानी संकट में डाल सकते हैं, पूरी की पूरी पूरी कोशिश BJP के लोग कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा से पानी आता है, एक निश्चित मात्रा में उनको पानी देना होता है, और अगर वो पानी उस मात्रा में दिल्ली को नहीं देंगे तो जाहिर तौर पे पानी की उपलब्धता दिल्ली में कम हो जाएगी। और एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने पहले बताई थी कि पानी कितना कम दिल्ली में दिया जा रहा है, मैं एक एक करके उसको पढ़ देता हूं। 6 जून को 1002, 7 जून को 993, 8 जून को 990 MGD, 9 जून को 978 MGD, 10 जून को 958 MGD, 11 जून को 919, 12 जून को 951 और 13 जून को 939 MGD पानी दिल्ली को दिया गया, जो कि हमारी मांग के हिसाब से और जो मात्रा हरियाणा को देना चाहिए उससे काफी कम है। MGD उत्पादन
जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी एक एक दिन की लिस्ट है। तो पानी का उत्पादन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी पीछे से हमको मिल नहीं रहा है। उसकी वजह से पानी का संकट है। और जब हम हरियाणा सरकार से बार बार अनुरोध करते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते। वहां के मुख्यमंत्री जी, जो हमारा पानी हक है, जो हमारा जितना पानी दिल्ली का हक है, जितना पानी मिलना चाहिए, वो पानी नहीं देते। हम हरियाणा के लोगों का पानी तो मांग नहीं रहे, हम तो दिल्ली के हिस्से का पानी मांग रहे हैं। आपको भी नहीं देना चाहते। दूसरा, जब एलजी साहब से शिकायत कीजिए तो एलजी साहब शिकायतों का निस्तारण करने के बजाय उसमें अपना राजनीतिक स्टेटमेंट जारी करते रहते हैं। उनको, उनका भी इंटरेस्ट इस बात में है कि दिल्ली में कैसे पानी की समस्या रहे। और इन सब के बीच में जब लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला, हंगामा, गुंडागर्दी, ऑफिस में तोड़फोड़, पानी की सप्लाई रोकना, पानी की पाइप तोड़ना, ये कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसे संकट के समय में दिल्ली की पानी का समस्या का समाधान कराने के लिए बीजेपी के 7 सांसद जिताए दिल्ली के लोगों ने। क्या उन 7 सांसदों को, जो अब मंत्री भी बन चुके हैं, उनको आवाज नहीं उठानी चाहिए पानी के लिए? क्या उनके मुंह से इतनी आवाज नहीं निकलनी चाहिए कि जो हरियाणा सरकार को पानी दिल्ली को देना है, जितना हमारा हक है उतना पानी दो? क्या उनको केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल जी से मुलाकात नहीं करनी चाहिए? दिलीप पांडे जी, हमारे विधायक जी, एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे, उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। जल शक्ति मंत्री केंद्र के हमारी बात नहीं सुनते, हरियाणा के मुख्यमंत्री बात नहीं सुनते, और पानी का संकट बढ़ाने के लिए कैसी कैसी साजिशें चली जा रही हैं वो मैं आपको एक एक करके दिखाना चाहता हूं। पहला देखिए आप कि कल किस तरीके से पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुंचते हैं, ऑफिस में तोड़फोड़ करते हैं, हंगामा करते हैं, कर्मचारियों को आतंकित करते हैं, और उस डर के कारण कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। जब बताइए, पानी के संकट के समय में कर्मचारी काम ही नहीं करना चाहेगा, ऑफिस बंद हो जाएंगे भाजपा के गुंडों के डर से, तो कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? भाजपा के गुंडों के डर से अगर जल बोर्ड का कर्मचारी काम नहीं करेगा, पानी की सप्लाई रुक जाएगी, कैसे दिल्ली के लोगों को पानी मिलेगा? आपको लड़ाई लड़ना है, हमसे लड़िए। राजनीति करना है, हमसे करिए। गुंडागर्दी करनी है, हमसे करिए। अब जल बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर हमला करा रहे हैं, उनके ऑफिस तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, पानी की सप्लाई बंद करा रहे हैं आप, ये किस प्रकार की गुंडागर्दी है? तो मैं चाह रहा हूं पहले आप लोग इसको देखिए। छतरपुर में दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ को गौर से देखिए। ये भीड़ कोई मामूली भीड़ नहीं, दिल्ली जल बोर्ड पर बच्चे खेलती है भीड़ भाजपा के पूर्व सांसद और प्रख्यात गुंडे रमेश बिधूड़ी द्वारा लाई गई। दिल्ली में जनसंकट के बीच भाजपा गुंडों ने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के साथ जो कुछ किया उससे भाजपा की दिल्ली विरोधी सोच फिर सबके सामने आ गई। इस वीडियो में लहराते मटकों और लोगों के तलों में पहने भाजपाई पटकों को गौर से देखिए कैसे भाजपाई भीड़ दिल्ली वालों की संपत्ति का नुकसान कर रही है। देखिए कैसे ये गुंडे बेशर्मी से दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर को तोड़ते हुए रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात ये कि इस भीड़ को उकसाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी। गौर से देखिए, बिधूड़ी खुद भीड़ में खड़े होकर बेशर्मी से अपने गुंडों को उकसा रहा। रमेश बिधूड़ी फुल प्रूफ प्लान बनाकर अपने गुंडों के साथ जल बोर्ड के दफ्तर में घुसे। इनका मकसद साफ था,
दिल्ली में जल संकट के बीच दिल्ली में पानी की कमी को और बढ़ाना। ये गुंडे नहीं चाहते थे दिल्ली में जल संकट का समाधान निकले। दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली के लोगों के लिए काम करे, इसीलिए इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर पर हमले का ये घिनौना प्लान बनाया। इस पूरे घटनाक्रम पर भाजपा की दिल्ली पुलिस और एलजी दोनों ने आंखों पर पट्टी और कान में उंगली डाल दी। इस भीषण गर्मी और जल संकट में खटिया राजनीति कर और गुंडों द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में हिंसा करके आज भाजपा ने साबित कर दिया कि वो दिल्ली वालों से कितनी नफरत करती है और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। अब आपने देखा कि ये किस तरह से तोड़फोड़ किया है इन लोगों ने। अब ऐसे माहौल में कौन सा कर्मचारी जल बोर्ड का काम करेगा, बताइए आप? कैसे लोगों को पानी सप्लाई मिल पाएगी? और इतना ही नहीं, आगे एक वीडियो में आपको और दिखा रहा हूं कि क्या क्या काम करते हैं लोग दिल्ली के अंदर पानी का संकट पैदा करने के लिए। मतलब लोग पानी के संकट में आए तो बीजेपी वाले जश्न मनाए, गले में पटका हाथ में मटका, ये भाजपाइयों का ड्रामा है। देखिए नहीं, एक जो वीडियो कल घनश्याम का जिसमें वो कई जगह पे बोल्ट वगैरह खोल रहे हैं ना, चलिए वो भी मैं अभी दे दूंगा आप लोगों को। तो ये कुल मिलाकर इनकी असलियत है कि ये दिल्ली के अंदर आज बीजेपी पानी की समस्या का समाधान कैसे हो इसके लिए नहीं, बल्कि पानी का संकट कैसे और बढ़े इसके लिए काम कर रही है। तो ये एलजी भाजपा और हरियाणा की सरकार द्वारा बीजेपी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है। अगर हमको पानी की सप्लाई पूरी मिलने लगे, पूरा पानी का हक जितना अधिकार दिल्ली का है वो मिलने लगे, तो किसी भी हालत में पानी की ये जो समस्या है इसको काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज जवाबदेही भारत के प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की भी दिल्ली के लोगों के प्रति है। 7 सांसद आपके जिताए हैं, 2-2 मंत्री आपने यहाँ से बना दिए। अगर आप ये बर्ताव करेंगे दिल्ली के लोगों के साथ और आपकी हरियाणा की सरकार ये बर्ताव करेगी कि पानी नहीं देना है दिल्ली में, पानी की समस्या पैदा करके रखना है, तो निश्चित रूप से इसको लेके हम लोग अपनी आवाज़ भी उठाएंगे। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अभी तक किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तोड़फोड़ हुई, कार्यालय तोड़ दिया गया, सरकारी संपत्ति का नुकसान किया गया, इनके बारे में ना प्रधानमंत्री जी बोलेंगे ना गृह मंत्री जी बोलेंगे। अभी किसान आंदोलन करने लगे तो उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी सब बना देते हैं। और ये जो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, इनके बारे में एक शब्द कोई नहीं बोलता। तो मुझे इतनी बात कहनी थी। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते जी। भारतीय जनता पार्टी भी आज 50 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन कर रही है, पानी की मांग कर रही है। उनका कहना है कि सरकार में आप हैं, दिल्ली जल बोर्ड आपके पास है, तो फिर पानी की दिक्कत क्यों हो रही है? तो हरियाणा सरकार किसके पास है? दिल्ली को जो पानी मिलना चाहिए वो पानी क्यों नहीं दिलवा रहे हैं बीजेपी के लोग? हरियाणा भवन के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? खट्टर के घर घर के सामने, नायब सिंह सैनी के घर के सामने प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे बीजेपी के लोग? भाई पानी का जो हक है दिल्ली का वो क्यों मारा जा रहा है? जो हमको पानी मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा है? ये बीजेपी के लोगों को बताना चाहिए। और इस तरह से गुंडागर्दी करने से पानी की सप्लाई आएगी क्या? आप जल बोर्ड के कर्मचारियों को आतंकित करके, उनको घर बिठा के पानी की समस्या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, आप बताइए। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं ये बीजेपी और एलजी के द्वारा प्रायोजित, हरियाणा की सरकार के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट है, वो इसका प्रायोजन कर रहे हैं कि दिल्ली के लोग
ठीक है तुम लोग आम आदमी पार्टी को जिताते हो, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है, हम तुमको पानी की सप्लाई तक नहीं होने देंगे। तो ये तो पाप है ना, ये भाजपाइयों का पाप है, लोगों का पानी रोकना, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। ये बीजेपी का पाप है कि वो पानी नहीं दे रहे हैं दिल्ली के लोगों को और पानी की सप्लाई रोक रहे हैं। दुर्घटना हुई है, एक बार फिर कंचनजंगा एक्सप्रेस थी उसका एक्सीडेंट हुआ है और कुछ लोगों की मौत की खबर है। देखिए भारतीय रेलवे की इतनी दुर्दशा हो चुकी है कि बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। रेल मंत्री जी के समय में पहले की जो बालेश्वर की उड़ीसा वाली दुर्घटना हुई थी, वही फिर दोबारा रेल मंत्री बन गए, उनको किस बात का इनाम मिला मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब भी आप रेल में यात्रा कीजिए, AC 3 में, AC 2 में, जनरल डिब्बों में, स्लीपर क्लास में, भूसे की तरह लोग भरे हुए हैं, जानवरों की तरह लोग भरे हुए हैं, उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे को लेके इस भीषण गर्मी में जिस तरह से लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, ये साफ तौर पे दिखता है।